सो हे गाइस, वेलकम टू बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फंटा ट्विस्ट 12 एंड एंड्रॉइड 12 की बेस्ड वीवो की अपडेट्स, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो गाइस, वीडियो से आगे से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये सब डाउनलोड करना नहीं आता तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देखने को मिल जाएगा हाउ टू डाउनलोड थीम। उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं थीम अप्लाई कैसे होती है और जो ये एपीके फाइल वगैरह कैसे इंस्टॉल किया जाता है। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑफ भी क्लिक करना, ताकि असल में हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। और इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइज, विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, आई रिमाइंड यू बिफोर स्टार्ट द वीडियो डैट इफ यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई थीम और हाउ टू डाउनलोड थीम, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स हाउ टू डाउनलोड थीम। सो गाइज, सबसे पहले आपको सभी फाइल को डाउनलोड करके आपको फाइल मैनेजर ओपन करना रहेगा। जैसे ही मैं फाइल मैनेजर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, अगर गाइज आपके पास ये वाला फाइल मैनेजर नहीं है तो फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है फाइल मैनेजर का, उसे जाकर आप डाउनलोड कर सकें। डाउनलोड करने के बाद डिस्प्ले फाइल हिडन डेस्क फाइल वाला ऑप्शन यहाँ से इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको सीधा चले जाना है डाउनलोड के फोल्डर में, जहाँ पर आप सभी फाइल को डाउनलोड किए थे। उसके बाद उस क्लिक करने का दोनों आपको एपीके फाइल देखने को मिल जाएगी, एक है KWGT और KWGT4। दोनों एपीके फाइल को आपको इंस्टॉल कर लेना है। सो मेरा पहले से इंस्टॉल है, मैंने दोनों फाइल को डिलीट कर देता हूँ। और गाइज, आपको एक जिप फाइल भी देखने को मिल जाएगी, जो कि गाइज आपको पासवर्ड के जरिए एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो कि आपको वीडियो में कहीं भी देखने को मिल जाएगा। सो मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको 120 इमेजेस PNG इमेजेस देखने को मिल जाएगी, और आपको एक और भी एक जिप देखने को मिल जाएगी, जिसमें गाइज मैंने जो KWGT वीडियोस क्रिएट किए थे उसी तरह उसी का आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, उसे भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। सो वो जिप फाइल कुछ आपको इस टाइप का देखने को मिल जाएगी, उसमें फाइल का फॉर्मेट .KWGT फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये वाला वीडियोस जो PNG इमेजेस का इस टाइप का देखने को मिल जाएगा, सेकेंड वाला आपको जो .KWGT फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा, उस टाइप का जिप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको पासवर्ड के जरिए इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं जो जिप फाइल को डिलीट कर रहा हूँ, याद रहेगा इस फोल्डर को डिलीट मत करना। सो इसमें जो सारे KWGT फाइल थे यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना है। और गाइज, मैं यहाँ पर आपको देखने वाला हूँ कि आपको वीडियोस कैसे अप्लाई करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद होम स्क्रीन में आपको उड्रेट सेलेक्ट कर लेना है, एक KWGT 1:1 वाला सेलेक्ट कर उसे फुल चार्ज कर लेना है। फुल चार्ज करने के बाद आपको यहाँ पर KWGT ओपन करना है, परमिशन वगैरह दे देना है। परमिशन वगैरह देने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इंपोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फिर डाउनलोड के फोल्डर पर चले जाइए, जहाँ पर आपने KWGT फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था उसे सिलेक्ट कर लीजिए, एक एक करके यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लीजिए। सो मैंने पहले वाला कर लिया और मैंने सेकेंड भी कर लेता हूँ। गाइज, जब तक गाइज मैं सारे वीडियोस को इंपोर्ट करता हूँ, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने से कोई भी मेरे चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि ऐसे में हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। सो हमारे सारे वीडियोस को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। सो मैंने ये वाला वीडियो सिलेक्ट करता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ। अपने डिवाइस के मोटर में आपको इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मैं लेयर के ऑप्शन पर जाता हूँ, इसे छोटा कर लेता हूँ और बड़ा भी कर लेता हूँ। सो मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर लिया और यहाँ से सेव पर क्लिक करता हूँ। ऊपर जो आपको मेमोरी कार्ड वाला सेव का आइकन देखने को मिलता है, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आपको कस्टम कैसे सेट करना है। सेट करने के लिए आपको वीडियोस फाइल में जाना है, एक 1:1 वाला KWGT आपको होम स्क्रीन में ऐड कर देना है। होम स्क्रीन पर ऐड करने के बाद आपको कुछ इंटरफेस आपको कुछ टाइप का देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इसका रिसाइज कर लेता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर पर टैप करता हूँ। टैप करने के बाद आपको जो क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलता है उस पर क्लिक करना है, उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद इमेज पर क्लिक करना है, पिक के इमेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो मैंने इमेजेस दिया था आपको एक एक करके सिलेक्ट करके जो आपको अच्छा लगे वो आपको सिलेक्ट करके रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करने के बाद आपको जो लास्ट में टच का ऑप्शन देखने को मिलता है उस टच पर क्लिक करें, ऊपर जो प्लस का आइकन देखने को मिलता है उस पर क्लिक करें,
उसके बाद लॉन्च ऐप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो भी एप्लीकेशन को ओपन करना है उसे सेलेक्ट करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आइकन पर ऊपर टैप करते हैं उसके रिलेटेड एप्लीकेशन यहाँ से ओपन भी हो जाएंगे। सो मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। ऐसे करके गाइज आप अपने किसी भी वीवो और एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर ऐसा सेटअप ला सकते हैं। सो मैंने इसे पबजी का भी दिया, सॉरी गाइज VGMI का भी दिया है हुआ है लिंक। सो पासवर्ड भी आपको वीडियो में अंदर देखने को मिल चुका होगा। और गाइज ये ट्रिक भी सभी वीवो और एंड्रॉयड डिवाइस में वर्किंग देखने को मिल जाएगी। चाहे आपका डिवाइस कौन सा भी फ़ोन हो इसमें वर्किंग देखने को मिल जाएगी। आपका कोई भी एंड्रॉयड वर्जन हो सभी ही वर्किंग देखने को मिल जाएगी, सभी डिवाइस में वर्किंग देखने को मिल जाएगी। सो गाइज आई होप डैट ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑफर क्लिक कर देना और इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह पर फॉलो कर लीजिएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।